लाइक मतलब 79 रुपीज का परफ्यूम आपको कैसे लग रहा है एंड इट स्मेल्स एक्सोटिक। पानी काफी ज्यादा लीक हुआ है, ये सारा निकल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी लग रही है भाई साहब। आई विश मैं अपनी घिसी हुई कॉटन की टी शर्ट में शूट कर सकती थी, बट एस्थेटिक। भाई मेरा जिम हो गया आज का, आज का मेरा जिम हो गया। इससे ज्यादा मैं वेट्स नहीं उठा सकती। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयरएवर यू आर। बैकग्राउंड से पहचान गए होंगे, आई एम डूइंग अ पीआर हॉल आफ्टर एजेस, लिटरली आई थिंक सालों बाद, या फिर साल बाद कह सकते हो, सालों थोड़ा ज्यादा हो जाता है, आई थिंक एक साल बाद मैं पीआर हॉल करने वाली हूँ। मैं पहले कितना ज्यादा करती थी, रेगुलरली मैं कलेक्ट करती थी, फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, बट ग्रेजुअली वो कम होता गया। और आजकल तो जो भी आता है मैं साथ के साथ ना इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल देती हूँ, बिकॉज काफी जो पीआर आता है वो लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए आता है कि ये ऑफर आने वाला है तो आप शाउट आउट दे दो, स्टोरीज डाल दो। सो ये सब अभी का नहीं है, ऐसा मत सोचो कि कल ही ये सब कुछ आया है। बहुत सारे बॉक्सेस हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हैं। ये पूरी कलेक्शन है 2-3-4 महीने की, जो मैं आज बैठकर आप सबको दिखाने वाली हूँ। काफी सारी चीजें मैंने ट्राई कर ली हैं तो मैं उनका रिव्यू भी दे दूंगी, और काफी सारी चीजें नहीं है तो आपके सामने बैठ के अनबॉक्सिंग भी करूंगी। 2-3 बॉक्सेस तो लिटरली मैंने खोले भी नहीं है, मैं आप सबके सामने खोलने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर नए आए मेरे चैनल पर, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पर हिट करना है, बेल आइकन पर हिट करना है। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते हैं जो डेफिनेटली आपके लिए नॉलेजेबल रहेगी। एंड नाउ Let's go. So starting with package number 1, which is from Dot & Key. Recently Dot & Key का 4th birthday था, they turned 4 this year, और उनकी बहुत amazing सी sale हुई थी इनकी official website पर। मैंने उसकी story अपने Instagram पर भी डाली थी और YouTube पर भी डाली थी। मैं कोशिश करती हूँ YouTube community app पर या फिर stories के through भी content डालती रहूँ। This is their birthday box, इन्होंने PR box भेजा था basically, जिसके अंदर इनके कुछ कुछ best sellers हैं और कुछ कुछ offer में थे। सबसे पहले ये spatula था, ये free दे रहे थे उस time जब sale थी ना, तो ये कुछ एक particular cart amount के साथ ही आपको free दे रहे थे। So इनके काफी सारे mask आते हैं ना, तो आप ये स्पैचुला यूज कर सकते हो, इस साइड से आप स्कूप आउट कर सकते हो, और इस साइड आपको स्क्रब जैसा कुछ मिलता है। यू कैन सी यहाँ पे ऐसे स्क्रब टाइप का है जिससे आप स्क्रबिंग कर सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप वाला है, यहाँ पे डॉट डॉट जो है वो गैप में, और ये थोड़ा सा ब्रश टाइप है। सो ये काफी सही रहता है, ये वाली स्क्रबिंग एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज ये वो एप्रिकॉट वाले फिजिकल स्क्रब्स नहीं है जो आपकी स्किन के अंदर माइक्रो टीयर्स क्रिएट कर देंगे। ये जो ब्रश क्लेंजर्स होते हैं ना, ये ठीक रहते हैं एक्ने स्किन पर, एक्ने के ऊपर नहीं यूज करना, लेकिन आप नोज के ऊपर, व्हाइट हेड्स के ऊपर यूज कर सकते हो। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो डेफिनेटली मैं यूज करने वाली हूँ। नेक्स्ट अप वी हैव अ टोनर, ये डॉट एंड की का वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर। मैंने डॉट एंड की का सीका टोनर तो यूज किया है, वो सेम ऐसी पैकेजिंग में आता है ग्रीन कलर की। वो सीका रेंज जो है वो एक्ने स्पेसिफिक रेंज है, वो मुझे काफी पसंद आया था। ये पोर टाइटनिंग का नॉर्मल एक टोनर है, और यू कैन सी मैंने अभी तक बिल्कुल भी यूज नहीं किया तो मैं कॉमेंट नहीं करूंगी, बट इफ यू आर नॉर्मल स्किन टाइप यू कैन ट्राई द वाटरमेलन रेंज। मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं। ये वाटरमेलन सुपर ग्लो फेस क्लेंजर, ओके ये उसी वाटरमेलन रेंज का फेशियल क्लेंजर है। This is how it looks like. And then we have the sunscreen, जो मैंने आते ही यूज कर ली थी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डॉट एंड की के एक सीका रेंज आती है विच इज स्पेसिफिकली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, और उसका मैंने एक शॉर्ट रिव्यू रील्स पर किया हुआ है। मैंने इनके साथ एक रील्स बनाई थी स्पॉन्सर्ड में, उससे मैंने इनका फेस वॉश, देन टोनर, देन नाइट जेल आपको दिखाया था, एंड आई लव्ड इट। मतलब इनके तीनों प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद आए थे, और अब इन्होंने सनस्क्रीन भी लॉन्च कर दिया जो दिखती है कुछ इस तरह से। दिस इज SPF 50 PA++ सीका कामिंग नाइस निमाइट सनस्क्रीन। सीका अगर आपको नहीं पता, बहुत अच्छा काम इंग्रेडिएंट होता है, अगर आपको रेडनेस हो गई है, एक्ने हो गया है, तो बहुत काम आती है, मतलब काम आती है, काम डाउन करने में काम आती है। प्लस के अंदर नाइसिनमाइड भी है, तो वो भी काफी अच्छा रहता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देती है, अल्ट्रा लाइट मैट फिनिश है। देखो मैं इसको एक्सट्रीमली मैट फिनिश नहीं बोलूंगी, मे बी अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, शायद इसको लगाने के बाद भी मुझे मैट जैसा ही लगता, बट आई डोंट नो, मैं आगे जब और वेदर में टेस्ट करूंगी मैं तब आपको प्रॉपर बता सकती हूँ, लेकिन अभी मैं प्रॉपर मैट नहीं बोलूंगी। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, व्हाइट कलर का इसका टेक्सचर है जो काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि व्हाइट कास्ट आने वाली है, व्हाइट व्हाइट होने वाला है, बट ऐसा नहीं है, जब प्रॉपर ये ब्लेंड हो जाती है तो अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में ना ये ब्लू टिंट देती है, काफी सारी मैंने सनस्क्रीन यूज करी है लाइक बायोडर्मा, जिसको जब लगाओ ना हल्की सी स्किन ऐसी लगती है ब्लू ब्लू जैसी हो गई, बट ऐसा नहीं है, ब्लेंड करने के बाद ये प्रॉपर स्किन में चली जाती है। लाइक यू कैन सी देयर इज नो व्हाइट कास्ट, एंड देयर इज अ वेरी नाइस मॉइस्चराइज फील। मतलब मैं इसको मैट फील नहीं बोलूंगी, जब मैट फील होती है ना तो ये चीज शाइन नहीं करती, आप देख सकते हो हल्की सी शाइनीनेस आ रही है, विच इज गुड, मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन बीबी क्रीम लगाओगे ना, एटलीस्ट वो क्रैक नहीं होगा, वो लाइक उसमें वो फटेगा नहीं। सो मुझे इसकी फिनिश काफी अच्छी लगी, अगर आपकी एक्ने स्किन आप ले सकते हो। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन, एंड इट इज फ्रेग्रेंस फ्री एज वेल, और ये नॉन कॉमेडोजेनिक भी है। सो सारे एस्पेक्ट्स के हिसाब से आई लव्ड इट। अभी भी आपको ये सेल पे मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पर, मेरा कोड लगाओगे आपको और सस्ते मिल जाएगा। देन वी हैव द मॉइस्चराइजर, जो मैंने ऑलरेडी फीचर कर दिया है, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी टॉप
फेवरेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर की, उसमें ये फीचर किया था इधर डॉट एंड की का स्किन केयर वाइटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स मोर लाइक अ सॉर्बे बिकॉज की बिल्कुल ऐसे जेल जेल जेली जैसी फिनिश है। मैंने इसके अंदर रिव्यू भी किया था, मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है। नाउ दिस पैकेज वाज मोर लाइक अ सरप्राइज बिकॉज इस ब्रांड से मेरी कोई बात नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, मैंने कुछ स्पॉन्सर्ड के लिए भी अग्री नहीं किया। आई डोंट नो कहां से इनके पास डिटेल आई या फिर पहले कभी हुई होगी। ये है फ्रॉम द ब्रांड लव ब्यूटी एंड प्लैनेट, बहुत सारे क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहे थे। मेरा जेन्युइनली खुद भी मन था लेने का, मैं जब सोच रही थी कि मैं जब मेरे एक्टिवली अभी सारे हेयर केयर खत्म हो जाएंगे ना, तो मैं नायका से सेल वेल के टाइम पे ये वाले ब्रांड के प्रोडक्ट्स परचेज करूंगी बिकॉज मैंने बहुत सुना है एंड थैंकफुली आई गॉट इट। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस कि रिव्यू भी करती हूँ, एटलीस्ट ब्रांड्स को दिखता है मेरा काम और मुझे सेंड भी करते हैं। सो ये बेसिकली एक बैग है विच इज नाइस, खाली से डब्बे डब्बे देने से अच्छा ना, आई रियली लाइक ऐसे आप जूट बैग्स एंड ऑल दो जिसका आप रियूज सबसे ज्यादा कर सकते हो। तो ये फ्रिज फ्री हेयर केयर रेंज, इसके अंदर आर्गन ऑयल है, लैवेंडर है फॉर स्मूथ एंड सेरेन रेंज। इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है शैम्पू विच लुक्स लाइक दिस एंड दीज शैम्पूज आर सल्फेट फ्री बाय द वे, इनकी पैकेजिंग पर भी लिखा हुआ है दीज आर सल्फेट फ्री शैम्पू, दिस आर लुक्स लाइक, ये प्लास्टिक की पैकेजिंग है। आर्गन ऑयल है, लैवेंडर है, स्मूथ सेरेन सल्फेट फ्री शैम्पू, कामिंग डेफिनेशन फॉर फ्रिजी हेयर, एक्ट ऑफ लव फॉर आवर प्लैनेट, नो पैराबेन, वीगन प्लांट बेस्ड क्लींजर। ओके दैट इज अ लॉट ऑफ क्लेम्स बट आई एम वेरी हैप्पी ये फ्रिज के लिए स्पेसिफिकली बना बिकॉज अभी गर्मियों में मुझे भी काफी ज्यादा फ्रिजीनेस एंड ऑल हो जाती है, सो आई ट्राई दीज। उसके बाद आता है सेम साइज में आपको कंडीशनर मिलता है, ये भी सेम आर्गन एंड लैवेंडर वाली रेंज का है। रियली लाइक द पैकेजिंग, इट्स सो क्यूट, कितनी अच्छी अच्छी सी लैवेंडर वाइब्स है। एंड दिस मस्ट बी द मास्क, आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर का मास्क है ये, 2 मिनट का मैजिक मास्क है जिसको आप 2 मिनट के लगा के छोड़ सकते हो। नरिशिंग स्मूथनेस फॉर फ्रिजी ड्राई हेयर, अगेन नो पैराबेन एंड नो डाइज, क्वांटिटी इज नाइस एज वेल बिकॉज मास्क आप रेगुलरली नहीं यूज करते। मैं वीक में जब 2 बार शैम्पू करती हूँ, मैं ज्यादातर कंडीशनर यूज करती हूँ, वीक में 1 बार मैं मास्क यूज करती हूँ, तो इतना टब भी ना चल जाता है। मैंने अभी तक ये बिल्कुल भी ब्रांड ट्राई नहीं करी है, अगर आपने इस ब्रांड का कुछ भी ट्राई किया ना प्लीज मुझे बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आज मैं जो भी फीचर करने वाली हूँ ना सब एक एक काम करेंगे। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट में दिखाने वाली हूँ ट्राई किया उसका रिव्यू आप सब नीचे दोगे, एंड दिस नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट, ये मुझे कॉमेंट चाहिए ऐसा नहीं है, जस्ट दैट मैं एक इंसान हूँ, मैं हर चीज नहीं रिव्यू कर सकती। काफी बार मुझे डीएम्स भी आते हैं, लोग पूछते हैं इसके बारे में बताओ, एंड आई एम लाइक मुझे नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ अगर आपने कुछ भी इस वीडियो में जो मैं नया दिखा रही हूँ आपने ट्राई किया अपना रिव्यू नीचे डाल दो यार, लोग जाओ कमेंट्स पढ़ो। अगर आपको कमेंट नहीं भी करना ना आप दूसरे कमेंट्स पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे मेरे जो भी फैमिली है ना डिजिटल फैमिली बहुत अच्छी है, वो प्रॉपर रिव्यूज भी डालते हैं चीज़ों का। सो सब आज रिव्यूज देंगे अपने अपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, हेल्प ईच अदर यार। नेक्स्ट पैकेज है हमारे पास फ्रॉम नायका और ये कैंपेन स्टार्ट हो चुका है, इनफैक्ट ये कैंपेन आज ही स्टार्ट हुआ है शायद बिकॉज आज मेरे पास मेल आया था कि ये लाइव जा चुका है। तो न्यूट्रीजना ने बेसिकली उनकी एक न्यू रेंज स्टार्ट करी है विच इज द ब्राइट बूस्ट रेंज, दिस इज़ व्हाट लुक्स लाइक, सब पूरा पिंक एक एस्थेटिक है जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो मेरे पास रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले वी गॉट पाउच जो इनके पीआर नॉल में आता है, सो ये है मेन मॉइस्चराइजर। यू गाइस नो मुझे न्यूट्रीजना का जो हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर आता है जो ब्लू कलर का आता है मुझे वो कितना पसंद है, 2-3 टब्स मैंने खत्म कर दी थी। सो व्हेन आई रिसीव्ड इट आई वाज वेरी हैप्पी, ये बड़ा वाला जा रहा है और ये छोटा जा रहा है, मैंने सबसे पहले छोटा ही खोला था बिकॉज काफी बार होता है कि कुछ और नहीं सूट करता है फिर नहीं अच्छा लगता, तो मैंने पहले छोटा ही खोला था और मैंने आते ही इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट जब मैं परसों पार्टी में गई थी, जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं दे नो मैंने रेड वेलवेट कलर की जो ड्रेस पहनी थी उसमें मैंने मेकअप की फोटो और स्टोरीज डाली थी, काफी लोग ग्लो कर रहे हो ग्लो कर रहे हो, मैंने उस दिन भी यही मॉइस्चराइजर लगाया था एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड। सो ये बेसिकली क्या है, एक क्रीमी सॉर्ट ऑफ है, ये जेल बेस नहीं बोलूंगी, इसका जो टेक्सचर है इट इज मोर लाइक क्रीमी, दिस इज ऑल द टेक्सचर लुक्स लाइक, एंड इसमें बहुत फाइन शिमर पार्टिकल्स है, मतलब ये मैंने बाद में रियलाइज किया, मैंने जब फर्स्ट डे लगाया था ना बहुत अच्छा स्किन एकदम ड्यूई ग्लो कर रही थी, जब मैंने नेक्स्ट टाइम लगाया मैंने एकदम मिरर के पास जाके देखा इसके अंदर बहुत टाइनी, मतलब दूर से शायद पता नहीं चलेंगे, इसके अंदर शिमर पार्टिकल्स हैं जो इतना अच्छा ग्लो देते हैं। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट मॉइस्चराइजर अगर आप मेकअप के नीचे करने वाले हो या फिर आप हल्का फुल्का मेकअप भी करते हो ना, आपको चाहिए आपको एवरीडे बेसिस पे बहुत प्यारा ग्लो चाहिए, आपकी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन है, आपको बिल्कुल मैटिफाइंग कुछ यूज नहीं करना, दिस इज रियली गुड। मैंने रात को यूज किया था और क्या होता है जब आप हैवी मेकअप करते हो ना, आप कॉम्पैक्ट लगाते हो, फाउंडेशन लगाते हो, कॉन्टोरिंग ब्लश, वो सब कुछ ड्राई ड्राई कर देता है स्किन को, तो ऐसा नरिशिंग मॉइस्चराइजर एकदम परफेक्ट रहता है। 450 रुपीज और डिस्काउंट कूपन भी है इस कैंपेन में, नायका ने हमें डिस्काउंट कूपन दिया विच इज नॉट एफिलेट, मैं यहाँ पर डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप नायका की वेबसाइट पर अभी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए इन प्रोडक्ट्स को अगर परचेज करोगे इस रेंज को और ये डिस्काउंट कूपन लगाओगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड
मॉइस्चराइजर बाय नायका, ये हमें नायका एफिलिएट पीआर में आता रहता है। ये सेम उस मॉइस्चराइजर का बड़ा वाला टब है, बड़े वाला आपको 1240 रुपीज का पड़ता है। आई वुड से पहले छोटा लो, ट्राई करो एंड देन यू विल नो कि ये चीज आपको सूट कर रही है या फिर नहीं कर रही। वी हैव टू मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस रेंज। सबसे पहले है न्यूट्रीजना ब्राइट बूस्ट एल्यूमिनेटिंग सीरम, जो दिखता है कुछ इस तरह से। सो ये बेसिकली फेस का ही सीरम होगा एंड दिस अगेन फॉर ब्राइटनिंग सॉर्ट ऑफ इफेक्ट। वो आई लाइक द पैकेजिंग, इसका वो पंप वाला पैकेजिंग है जिसमें से पुश करना होता है। ओले का भी एक ऐसा सीरम आता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ से आपने निकाला एंड देन यू हैव टू जस्ट पुश इट लाइक दिस। ऊपर से बटन जब आप पुश करोगे ना तो इसमें से प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जाएगा। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, नो कॉमेंट्स, इट इज जस्ट फॉर एल्यूमिनेटिंग। ये जो पूरी रेंज है ना, ये ब्राइटनिंग के लिए है, लाइक एल्यूमिनेट करती है स्किन को, ब्राइटन अप करती है। सो इफ यू आर समवन हु इज मोर अबाउट ग्लो ऑन स्किन, ऑन मेकिंग योर स्किन ड्यूई, तो ये रेंज आपके लिए परफेक्ट है। देन वी हैव अनदर प्रोडक्ट जो मुझे समझ नहीं आया फेस वॉश है क्या है, बिकॉज पे लिखा है ब्राइट बूस्ट री सर्फेसिंग माइक्रो पॉलिश। सो आई थिंक ये कुछ फेस का ही होगा। ओ इट्स अ एक्सफोलिएटर, ये स्किन एजिंग को हटाता है, डलनेस को हटाता है, रेडियंस लेके आता है, एक्सफोलिएट करता है फिजिकली एंड केमिकली। ओ सो आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एक्सफोलिएटर। इसके अंदर फिजिकल स्क्रब्स भी होंगे शायद, और इसके अंदर इन्होंने केमिकल एक्सफोलिएटर भी डाले हुए हैं। या बट बहुत छोटे हैं, या इट डजंट फील लाइक स्क्रब्स। वो जो बड़े बड़े स्क्रब पार्टिकल होते हैं ना, इट इज वेरी वेरी जेंटल, बहुत ही जेंटल है, तो पता भी नहीं चल रहा। सो आई थिंक ये एक्ने स्किन पर भी सूट कर जाएगा। काफ़ी सारे जो स्क्रब्स आते हैं उसमें बड़े बड़े वो बीड्स होते हैं, मैं वो यूज़ नहीं करती। सो दिस इज़ रियली नाइस, आई डेफिनेटली लेट यू नो। ये ऑयल फ्री है, अल्कोहल फ्री है और ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। डेफिनेटली न्यूट्रिशना हैज़ leveled up their products. So, next up from Smitten, I have this Smitten summer box जो मुझे मई के मंथ में रिसीव हुआ था। जब मैं ट्रिप पे गई थी ना तब मुझे आकर रिसीव हुआ था, और उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई थी काम वाम में, तो काफी डिले हो गया था। मैंने रिसेंटली इसकी रील डाली और आई थिंक यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी मैंने ये डाल दिया है। सो Smitten ने मई मंथ में एक ऑफर निकाला था कि अगर आपके कोड के थ्रू समथिंग रेफरल नॉन की 5 people ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको पॉइंट सिस्टम से ये मिल जाता है। बेसिकली 999 रुपीज का है, लेकिन रुपी वैसा वाला नहीं है, पॉइंट्स वाला रुपीज का है। बेसिकली एक पॉपअप स्टाइल बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारा सामान है, और आधा तो गिरा पड़ा ही आया था बिकॉज ये सब कुछ ऐसे ऐसे हो गया था। वी हैव लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स लाइक प्लम, देन वाओ की सनस्क्रीन, एम कैफीन का हेयर मास्क। सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी टाइनी एंड छोटू छोटू सी। देन परफ्यूम भी है, एंड दिस इज द थिंग दैट आई रियली लाइक, जो आप सबको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी, वो है ये ब्रू का परफ्यूम, ये ब्रू एक्शन। अगर आपको Smitten पे ट्रायल में मिले ना, आई वुड से प्लीज देना, ये बड़ा सही मुझे लगा। एंड दिस इज जस्ट फॉर ₹79 एंड व्हाट इज द फ्रेग्रेंस, मतलब इसको लगा के एकदम वो ज़ारा वाले फ्रेग्रेंस की फील आती है। सो दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक, मतलब ₹79 का ये परफ्यूम आपको कहीं से लग रहा है, एंड इट स्मेल्स एक्जॉटिक। इसकी बहुत अच्छी खुशबू, अगर आपको Smitten ट्रायल पे मिलेगा ना प्लीज देना। अगर आपको मेन परफ्यूम बहुत पसंद आना, आई थिंक ये मेन का ही परफ्यूम है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आया है। आई लव मेन फ्रेग्रेंसेज, जो एकदम मैनली वाली फ्रेग्रेंसेज होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई कैन से इसकी कुछ भी एकदम सेडक्टिव वाली है। सो ये जरूर ट्राई करना अगर आपको ट्रायल से मिलता है। Smitten पर ट्रायल्स में भी आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जस्ट दैट उन्होंने कंबाइन करके एक समर बॉक्स बना दिया फॉर द एक्टिविटी थिंग। एंड जितने प्रोडक्ट्स हैं आप वो शॉर्ट्स में आके देख सकते हो, उस शॉर्ट का लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। नेक्स्ट अप वी हैव टू पीआर पैकेजेस फ्रॉम प्लम। सबसे पहले है ये प्लम का मैटरिफिक, ओ व्हाट अ नेम, लिपस्टिक। सो प्लम ने उनकी बुलेट लिपस्टिक भी लॉन्च कर दी है। प्लम की लिक्विड लिपस्टिक भी आती है जो काफी अच्छी है, वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन लिप्स। और अब प्लम की ये वाली लिपस्टिक भी आ चुकी है, विच इज एनरिच्ड विद शिया बटर, आलमंड ऑयल, होवा ऑयल, मैकेडेमिया नट ऑयल, वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, टॉक्सिन फ्री है। आई रियली लाइक देयर पीआर पैकेजिंग, बड़ी क्यूट सी देते हैं। सो ये काफी बुरी हालत में आई थी, ब्रांड्स तो पूरी कोशिश करते हैं पूरा पेपर पैकेजिंग पूरा रैप करके करने की, लेकिन जब डिलीवरी होती है ना तो वो लोग लिटरली फेंक फेंक के मारते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन वाई सब कुछ हिला हुआ था, सबके ढक्कन निकले हुए थे, लिपस्टिक भी बुलेट थोड़ी टिप से हिली हुई थी, बट थैंक गॉड कोई लिपस्टिक मेजरली टूटी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर स्टेनिंग आई थी। सो ये सारे इनके शेड्स हैं, मैं इसकी फिटिंग मैं इसकी पूरी रील बनाऊंगी या फिर प्रॉपर स्टोरीज एंड ऑल में कभी वीडियो में प्रॉपर बात करें, बिकॉज आज अगर मैं सबको दिखाने लग गई तो काफी मुश्किल हो जाएगी। बहुत अच्छी शेड रेंज निकाली है, लिटरली यू कैन सी दे हैव ब्राउन, रेड है, मतलब लिटरली आपको सारे शेड मिल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर यही पूरी रेंज है या फिर और भी इनकी एक्सटेंडेड रेंज है, बट आई रियली लाइक इट। वन शेड दैट आई कैन से, जब सारे मैंने खोले थे मुझे एक शेड सबसे अच्छा लगा, विच इज माई काइंड ऑफ वाइब, इज गिव मी मॉव। दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक, इसको मैं स्वॉच कर दिखाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे शेड बहुत पसंद है, थोड़े मॉविश वाले, एवरीडे बेसिस के लिए ना काफी सही लगते हैं। वेरी वेरी स्मूथ यार, ओ माय गॉड,
इट लाइट्स ऑन लाइक बटर एंड आई थिंक आप इसको ब्लश की तरह भी यूज कर सकते हो बिकॉज इसकी काफी नरिशिंग फील है. देखो जो बुलेट लिपस्टिक होती है ना वो 100% मास्क प्रूफ नहीं होती, ज्यादा बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती बिकॉज ये कंफर्टेबल होती है. अगर आप पावर टचअप कर सकते हो या फिर आप कंफर्टेबल लिप बामी फिनिश वाली लिपस्टिक देख रहे हो ना, सो दीज आर रियली गुड. आप इनको एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हो, स्पेसिफिकली ये वाला शेड, ये तो ब्लश की तरह भी चल जाएगा. सो दिस इज रियली नाइस. कमिंग टू द मोस्ट हेवीएस्ट पैकेज, मतलब ये इतना भारी है ना आई कांट इवन टेल यू, बट द गुड न्यूज इज ये वाली डील स्टार्ट हो चुकी है एकदम सही टाइम पे. वीडियो आ रही है प्लम का, आई थिंक आज या फिर कल ही बर्थडे है, इट्स देयर 8th बर्थडे एंड दे आर गिविंग यू सम रियली गुड डिस्काउंट. प्लम तो वैसे ही बीच बीच में जब सेल लगता है ना धमाकेदार सेल लगता है, आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं. प्लस हमारा कोड भी है. अब सैडली प्लम ने जो एफिलिएट कोड है ना ब्लॉगर्स के क्रिएटर्स के, उसका अमाउंट थोड़ा कम कर दिया. एज इन कोड वही सेम रहेगा कशिका 15, लेकिन आपको 15% ऑफ नहीं मिलेगा, 10% ऑफ ही मिलेगा. पहले बहुत लोगों ने मजे ले लिए इतना डिस्काउंट के बाद भी 15% एक्स्ट्रा ऑफ लेके, अब वो ब्रांड ने थोड़ा सा कट डाउन कर दिया सब कहीं. सो अब अगर आप मेरा कशिका 15 कोड लगाओगे ना तो आपको खाली 10% ऑफ ही मिलेगा, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. सो इन्होंने एक बर्थडे का जो बॉक्स भेजा ना, बेसिकली इट इज वेरी गुड बिकॉज उन्होंने पूरी अपनी जर्नी यहाँ पर लिखी है. मतलब 2014 में जब ये स्टार्ट हुए थे, देन 15 में इन्होंने क्या लॉन्च किया, 16 में इनकी न्यू रेंज आई, 17 में आई थी मेरी फेवरेट रेंज इनकी T3 रेंज आई थी, देन हेयर केयर रेंज आई थी, रियली लाइक इट. आई तो वैसे ब्रांड्स की जर्नी देखो ना बहुत खुशी मिलती है बिकॉज लाइक आई मैनिफेस्ट दिस फॉर माई सेल्फ एज वेल, कि फ्यूचर में जब मेरा भी कुछ ऐसा ब्रांड होगा आई थिंक आई रियली वॉन्ट टू सी माई ग्रोथ जस्ट लाइक दैट. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ब्रांड्स लाइक दीज. दे रिस्पेक्ट क्रिएटर्स, दे वर्क विद क्रिएटर्स वेरी वेल, दे पे ऑन टाइम. मतलब आज भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो मतलब काम करती हैं, टाइम पर पैसा नहीं देती, बट प्लम एंड डॉटन की दीज ब्रांड्स आर समथिंग, इनके PR के साथ मेरी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है. दे रिस्पेक्ट माई वर्ड्स. मैं अगर कहती हूँ ना मुझे ये प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, दे आर फाइन विद इट. दे विल नेवर फोर्स यू कि आप ऐसा बोलो, आपको ऐसा बोलना जरूरी है. अपने बेस्ट सेलर्स भेजे हैं. सबसे पहले है हमारे पास इनकी ग्रीन टी रेंज में से पोर क्लेंजिंग फेस वॉश, जिसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है. पहले इनके थोड़ा सर्कुलर पैकेजिंग आती थी, अब ये बड़ी वाली पैकेजिंग आई गेस. सो ये काफी अच्छा है. दिस फेस वॉश इज वेरी नाइस फॉर एक्ने प्रोन स्किन, मैं पहले बहुत यूज करती थी. एंड देन वी हैव द प्लम T3 डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू. मैंने इनका T3 सीरम यूज किया है, मेरे पास पहले PR में आया था, वो बहुत अच्छा है. इट्स लाइक अ नॉजल वाला हेयर सीरम, आप ऐसे पार्टिशनिंग एंड ऑल में लगा सकते हो, उससे इचिनेस इतनी कम हो जाती है ना. मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी उसका शॉर्ट रिव्यू किया था. दिस इज द सेम रेंज का ही शैम्पू, बेसिकली काफी अच्छी क्वांटिटी है. अभी गर्मी में बहुत ज्यादा इचिनेस हो जाती है स्कैल्प पर, और रेनी सीजन में स्पेसिफिकली ऐसा होता है, आपको इचिनेस होती है, बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं ना. तो ऐसे टाइम पे ग्रीन टी तो नहीं, T3 वाली रेंज यूज करना काफी जरूरी है. देन नेक्स्ट अप वी हैव द डैंड्रफ. ओ दिस इज द सीरम, इसी की मैं बात कर रही थी. मैंने बॉक्स आप सबके सामने खोला है एज यूजुअल, मुझे नहीं पता. ये प्लम का T3 डैंड्रफ फाइटिंग स्कैल्प सीरम, ये लिटरली मैंने आधा यूज भी कर लिया. दिस इज सो गुड. इसकी पैकेजिंग काफी सही है. यहाँ पे ना ऐसे नॉजल है, इसको ट्विस्ट किया, जेल जैसा आता है एंड इट इज वेरी सिमिलर टू माई DIY वाला जेल. जो मैं एलोवेरा के साथ T3 मिक्स करके एक जेल बनाती थी ना, ये बिल्कुल वैसे ही फील होता है. इट्स लाइक अ कन्वीनियंट वर्जन ऑफ इट. अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप कुछ अच्छा क्वालिटी में देख रहे हो तो ये काफी सही है बिकॉज लगाना बहुत ईजी हो जाता है पार्टिशनिंग पे. मैंने कल भी जब हेयर वॉश किया था मैंने इससे पहले यही लगाया था. सो ये फ्रेग्रेंस फ्री है, इसके अंदर T3 है और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो डैंड्रफ को फाइट करती हैं. दिस सिलिकॉन अल्कोहल पैराबेन प्रोपीलीन ग्लाइकोल जिंक थैलेट एंड सल्फेट फ्री, एंड इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी नहीं है. सो ये आपको सूट करेगा अगर आपकी स्कैल्प पे भी अगर सेंसिटिविटी हो जाती है बहुत हार्श केमिकल यूज करने से. दिस इज रियली गुड. अगर अभी प्लम की बर्थडे सेल पे आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरा कोड लगा के और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, गो फॉर दिस वन, यू विल लव इट. ये है हवाईयन रूम्बा. ओहो, वी हैव हवाईयन रूम्बा का बॉडी मिस्ट. प्लम नो कि मुझे क्या पसंद है, टचवुड मुझे वही आया जो मुझे पसंद है. आई थिंक सबको यही PR बॉक्स मिला होगा, कुछ स्पेशल नहीं है, बट आई रियली लाइक इट. आपने मेरे रिसेंटली ट्रिप वाला बैकपैक वाला देखा होगा ना, व्हाट इज इन माय बैकपैक, उसमें मैंने यही दिखाया था. दिस इज सो गुड. ये बॉडी मिस्ट है लेकिन एकदम ये एग्जॉटिक, आपको परफ्यूम जैसी फील देता है, विच इज रियली नाइस. या आई लाइक इट. ब्लेंड है ना वो काफी अच्छा है. अगेन जो एकदम बीची बीची वाइब्स होती है उसकी आती है. दिस इज रियली गुड. ओके, प्लम बॉडी लविंग का शार जेल है फ्रॉम द रेंज ऑर्चिड यू नॉट. आई डोंट नो ऐसी कोई रेंज आती है इनकी, मुझे तो पता भी नहीं था. वो ये लीक हुआ है थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा लीक हुआ है. ये सारा निकल गया है बट स्मेल्स गुड. खुशबू अच्छी है, थोड़ा लीक हो गया बट खुशबू काफ़ी अच्छी है. देन वी हैव द प्लम नायसिनमाइड सीरम, जिसकी मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है. मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी, यहाँ पर भी कहीं मैं लिंक कर दूंगी. ये प्लम का 10% नायसिनमाइड सीरम है विद राइस वाटर, रियली नाइस. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है फिर आपको नायसिनमाइड से रेडनेस होती है ना, ये वाला ट्राई करना. मैंने देखा है इससे मुझे रेडनेस नहीं होती, अदरवाइज काफी बार मैं नायसिनमाइड सीरम लगाती हूँ मुझे रेडनेस हो जाती है. देन वी हैव प्लम का काजल. ये प्लम का आई स्वेयर बाय कोल काजल, जो रिट्रैक्टेबल वाला आता है. एक इनकी जो पेंसिल आती है वो तो अलग है, शार्पनिंग वाली.
कि ये इनका कोल्ड काजल है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़. ये मैंने यूज़ किया हुआ है, आई लाइक इट. एंड लास्ट दे हैव देयर लिक्विड लिपस्टिक विच इज़ द प्लम मैट इन हेवन लिक्विड लिपस्टिक. एंड आई थिंक इन्होंने मुझे सेम शेड दे दिया जो पहले दिया था. या दिस इज द रैसबेरी रश बिकॉज ऑलरेडी ये शेड रखा हुआ है. मैं स्वॉच इसका इंसर्ट कर दूंगी. मैंने आई थिंक अपने इंस्टा स्टोरीज पर भी इसका स्वॉच डाला हुआ है. मेरा प्लम का हाईलाइट चेक करना, उससे आपको मिल जाएगा. बहुत सारी ब्रांड्स के ना मैंने हाईलाइट बना दिया अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, तो आप मेरे प्रोफाइल पर जाओ, मुझे स्टॉक करो यार. मेरी प्रोफाइल ओपन है, मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज किए हैं. जाओ स्टॉक करो, सारी हाईलाइट्स चेक करो, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा. सो दीज आर ऑल द स्टफ इन दिस बॉक्स. नाउ कमिंग टू द ब्रांड एक्वालॉजिका. सो जून मंथ में मैंने फर्स्ट टाइम एक्वालॉजिका के साथ काम किया. सबसे पहले जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी इस रेंज में से वो है इनकी सनस्क्रीन, जो मैं अभी निकाल के लेके आई हूँ अपनी अलमीरा से. मैं इसको आजकल यूज कर रही हूँ, आज ही मैंने ये यूज करा है. यू कैन सी देयर इज अ वेरी नाइस ड्यूइनेस ऑन स्किन. मुझे स्वेट नहीं आ रहा है, मैं आज क्लियर कर रही हूँ. मैंने हाईलाइटर लगाया, कुछ भी गीला नहीं है, एवरीथिंग इज मैट, कुछ भी स्वेटी नहीं लगाया. आई लाइक इट. इसकी जो ड्यूइनेस है ना वो इतनी ज्यादा ग्रीसीनेस नहीं देती, एट द सेम टाइम स्किन पर ग्लो बहुत अच्छा आता है. मेकअप करने से पहले काफी सही सनस्क्रीन है. इसका रिव्यू मैंने प्रॉपर किया था Q&A वाली वीडियो में, वो प्लीज जाकर देखना. उसमें ये और इनका मॉइस्चराइजर, या दिस इज द मॉइस्चराइजर जो मैंने रिव्यू किया था, ये दोनों आप जाकर देख सकते हो. ये भी इनका जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है. मैंने रिसेंटली अपनी जेल वाली जो वीडियो है उसमें भी ये फीचर किया था. इसके अलावा इन्होंने और प्रोडक्ट मुझे भेजे हैं, लाइक दे हैव द ग्लो प्लस फेस सीरम कंसंट्रेट. सो इनका एक कंसंट्रेट आता है विच इज अगेन फॉर ग्लो. इसके अंदर है पपाया एंड विटामिन सी. इसका भी वो वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है. वी गेट अ पंप एज वेल. वो आई लाइक द पैकेजिंग, ऐसे ड्रॉअर स्टाइल पैकेजिंग है इसकी विच इज वेरी क्यूट. देन वी हैव अ फेस मास्क एज वेल. सो सेम रेंज का फेस मास्क आता है. अब तो काफी टाइम हो गया मैंने फेस मास्क ज्यादा यूज ही नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिलता लगाने का. सो सेम रेंज का इनका फेस मास्क आता है. ये जरा मैं देखूँ, मैंने मॉइस्चराइजर रिव्यू किया था ना तो मैंने और कुछ निकाला ही नहीं. इट्स लाइक मुल्तानी मिट्टी जैसा टेक्सचर है इसका, बट इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक द मॉइस्चराइजर. आई डेफिनेटली ट्राई इट. मुझे ऐसे वाले क्ले मास्क बहुत पसंद है, तो ये तो मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ. ये मैंने पहले नहीं खोला था, बट फ्यूचर में डेफिनेटली ट्राई करके आपको बताऊंगी. देन वी हैव पपाया विटामिन सी ग्लो ड्यू ड्रॉप्स. दीज आर सेम, नो दिस इज अ फेस सीरम, दिस इज अ ग्लो जूसी ड्यू ड्रॉप्स. सो इन्होंने ऐसा कुछ ड्रॉप्स भी निकाली हुई है विच इज क्वाइट यूनिक. ये ग्लो प्लस मूस नाइट जेल, जो अगेन मॉइस्चराइजर जैसा ही दिखता है इनका डे वाला, लेकिन ये रात को लगाने का जेल है. ये भी अगेन मैंने यूज़ नहीं किया है. वेरी सिमिलर इन टेक्स्चर भी इसका एकदम सिमिलर ही फील हो रहा है, इतना कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा. बट मे बी इन्होंने नाइट टाइम स्पेसिफिक कुछ बनाया होगा. बट फॉर नाउ वन थिंग जो मैं इस रेंज में से बोलूँगी शॉर्ट लेना इज द सनस्क्रीन. दिस इज सो सो गुड. फ्रेग्रेंस फ्री है, ड्यूई है, 50 SPF है विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA++ UVA UVB प्रोटेक्शन. दिस इज रियली नाइस. अगर इनकी वेबसाइट पर आपको सेल पर मिले ना, जस्ट ग्रैब इट. उस वीडियो में आई थिंक इन्होंने कोई कूपन कोड भी दिया था जो एफिलिएट नहीं है, मैं यहाँ पर डाल दूंगी अगर मुझे याद नहीं है. आई जस्ट प्लेस इट हियर, की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं. सो दैट इज इट फॉर माई PR अनबॉक्सिंग. आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, बट आई होप आप सबने इंजॉय करी होगी. इन सबके लिंक्स और जो भी डिटेल्स, डिस्काउंट कोड जो भी होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. कुछ रिव्यू किया होगा तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. और जैसे कि मैंने कहा, सब कमेंट में अपना एक एक रिव्यू देंगे. अगर आपने इसमें से कुछ भी ट्राई किया अपना, अच्छा या बुरा, मैं नहीं बोल रही कि अच्छा अच्छा ही देना, अगर कुछ बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ है तो वो भी जरा कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर देना. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.